हाय गाइस, तो आज हम कुछ इस तरह का फर डिज़ाइन क्रिएट करने वाले हैं। इसके लिए ये आप सबसे पहले इलस्ट्रेटर में है और एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर, और अब हम इसकी बैकग्राउंड को चेंज करके ब्लैक करेंगे। इसके लिए डॉक्यूमेंट सेटअप वाले ऑप्शन में आए और ब्लैक करते हैं इसकी कलर, और सिमुलेट वर्क कलर्ड पेपर को टिक करके ओके करें। अब आप इलिप्स टूल को सिलेक्ट करिए या फिर एल शॉर्टकट का यूज कर सकते हैं। 5960 अराउंड समथिंग का एक सर्कल क्रिएट करिए और यहाँ पर इसकी स्ट्रोक को नॉन कर दीजिए। अब आप ग्रेडियंट टूल वाले ऑप्शन को क्लिक करिए और यहाँ पर इसकी ग्रेडियंट डिफाइन करिए। यहाँ पर मैं इसकी ग्रेडियंट कुछ इस तरह की डिफाइन कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं एक ऐड ऑन करूँगा ग्रेडियंट का कलर, चाहे तो इसे ड्रैग करके अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं इसको -90 कर दूंगा और बी से फिर इस शेप को सिलेक्ट करेंगे और अल्ट के साथ इसे ड्रैग करेंगे ताकि इसकी डुप्लीकेट क्रिएट हो जाए। अब आप इस दोनों शेप को एक साथ सिलेक्ट करिए और इस ब्लेंड टूल W वाले ऑप्शन पे डबल क्लिक करिए। अब यहाँ पर मैं स्पेसिफाइड डिस्टेंस डालूँगा 1.5px और से ओके। अब आप इस शेप को सिलेक्ट करिए और इसके बाद इसे सिलेक्ट करिए। इस तरह से हमारा कुछ डिज़ाइन क्रिएट हो जाएगा। फिर से आप इलिप्स टूल को सिलेक्ट करिए। इस बार मैं 450x450 का एक सर्कल क्रिएट करूँगा। मी की मदद से आप इसको कुछ इस तरह से रिपोजिशन कर लीजिए और इसकी फिल को चेंज करके नॉन कर दीजिए। अब आप सीजर टूल को सिलेक्ट करिए, शॉर्टकट सी का यूज कर सकते हैं। सीजर टूल को सिलेक्ट करिए और यहाँ पर इस एंकर पॉइंट को कट कर दीजिए। कट करने के बाद भी की हेल्प से आप ये दोनों शेप को एक साथ सिलेक्ट करिए और ऑब्जेक्ट वाले ऑप्शन में जाकर ब्लेंड के अंडर में रिप्लेस स्पाइन को सिलेक्ट करिए और इस तरह से स्पाइन रिप्लेस हो जाएगा। अब आप भी शॉर्टकट की हेल्प से इसे कुछ इस तरह से रिपोजिशन कर लीजिए। आप चाहे तो इसे सेंट्रली अलाइन भी कर सकते हैं। इसके बाद आप इस शेप को फिर से सिलेक्ट करिए और इफेक्ट के अंडर में जाकर डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म के अंडर में रफनेस को सिलेक्ट करिए और इसकी साइज को चेंज करके 45% कर दीजिए और डिटेल को चेंज करके 65 के अराउंड करके पॉइंट्स को स्मूथ कर दीजिए। अब आप ओके पर क्लिक करिए और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा यह फर काफ़ी स्मूथली रेडी हो चुका है। अब आप चाहे तो इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।